जय श्री महाकाल, जय माता दी। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा सिंह राशि फल के जातकों के लिए साल 2024 और उनके बारे में 10 प्रमुख बड़ी बड़ी भविष्यवाणी। सिंह राशि के जातक बहुत ही जुनूनी होते हैं, वह अपने रिश्तों में पूरे दिल से इन्वेस्ट करते हैं। सिंह राशि के जातकों की लव लाइफ बहुत ही रोमांटिक होती है। सिंह राशि के जातकों का आपसी प्रेम बहुत ही गहरा होता है, जिससे इनके रिश्तों की बॉन्डिंग और स्ट्रांग होती है। सिंह राशि के जातकों में गजब की कम्युनिकेशन स्किल होती है, इस वजह से वह अपनी भावनाओं को बहुत ही अच्छी तरह से इजहार कर पाते हैं। इस गुण के कारण वह अपने लाइफ पार्टनर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाते हैं, इस वजह से सिंह वालों की बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है। चलिए जानते हैं सिंह राशि के लिए 2024 की 10 प्रमुख भविष्यवाणियों के बारे में। पहली भविष्यवाणी, साल 2024 के शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में गोचर करते हुए मार्गी हो जाएंगे। देवगुरु आपके पंचम और अष्टम भाव के स्वामी हैं। ऐसे में देवगुरु का मार्गी होना आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। जो नव विवाहित है उन्हें संतान प्राप्ति की संभावनाएं दिखाई दे रही है। साल के शुरू के 4 महीने आपको शेयर मार्केट में अच्छा लाभ और मुनाफा प्राप्त हो सकता है। छात्र वर्ग के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। दूसरी भविष्यवाणी, सिंह राशि के लिए शनि देव अशुभ फल कारक है और प्रबल मार्केश है, वहीं लग्नेश सूर्य के लिए शत्रु भी है। ऐसे में साल भर शनि का गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। इस समय आपको न सिर्फ आपकी पत्नी की सेहत का ध्यान रखना होगा, बल्कि किसी भी प्रकार के मन मुटाव को टालना होगा। इस समय अगर आप साझेदारी में कोई काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ कर ही आगे बढ़ना होगा। इस साल आपको आर्थिक पक्ष को लेकर भी सजग रहना होगा। तीसरी भविष्यवाणी, इस साल 14 अप्रैल को सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे और 12 साल बाद मेष राशि में विराजमान गुरु से युति करने वाले हैं। ऐसे में आपको लग्नेश और पंचमेश की युति का लाभ प्राप्त होगा। इस समय आपकी संतान पर आपको गर्व होगा और आपको समाज में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय आपको अपने पिता की ओर से धन भी प्राप्त हो सकता है। किसी धार्मिक यात्रा पर गुरु से हुई मीटिंग जीवन बदलने का काम करेगी। चौथी भविष्यवाणी, इस साल मई के महीने में सबसे शुभ ग्रह गुरुदेव राशि बदलने वाले हैं। मेष राशि से निकलकर वो वृष राशि में गोचर करेंगे। गुरु का यह गोचर आपके दशम भाव में होगा, जो कि कार्य स्थल को सबसे अधिक प्रभावित करेगा। गुरु आपके अष्टम भाव के स्वामी है। ऐसे में आपको अचानक से कोई बड़ा मुनाफा जून के महीने में प्राप्त हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि या तो आपको मनचाही नौकरी मिल जाए या आपको अपनी ही कंपनी में अच्छा प्रमोशन मिल जाए। आपके लिए सब शुभ है। पांचवी भविष्यवाणी, साल की शुरुआत में आपके लग्न के स्वामी सूर्य पंचम भाव में गोचर करेंगे और आपके लग्न पर देव गुरु बृहस्पति और शनि की दृष्टि होगी। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यह एक शुभ योग है। साल की शुरुआत से ही आपका आत्मविश्वास उठा हुआ रहेगा और समाज में भी आपको अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। आपकी वाणी प्रखर होगी और आपकी पदोन्नति के योग दिखाई दे रहे हैं। सूर्य उच्च पद का कारक है, ऐसे में सूर्य गुरु का यह प्रभाव आपको अच्छे परिणाम देने वाला है। छठी भविष्यवाणी, साल 2024 में 15 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक पाप ग्रह मंगल सप्तम भाव में शनि के साथ गोचर करने वाले। ऐसे में दो पाप ग्रह जब आपके मारक स्थान में गोचर करेंगे तो आपको अपनी सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। रक्त से जुड़ी कोई बड़ी बीमारी आपको हो सकती है, वहीं कोई चोट भी लग सकती है। अगर आप वाहन चलाते हैं तो सोच समझ कर ड्राइव करें। शनि मंगल की युति आपके व्यापार के लिए दिक्कत करेगी, खर्च अधिक होगा, आमदनी कम हो जाएगी। सातवीं भविष्यवाणी, साल 2024 में पाप ग्रह राहु, जो कि माया के कारक कहे गए हैं, उनका गोचर आपके 8वें भाव में होगा। पूरे वर्ष वो इसी भाव में विराजमान रहने वाले हैं। ऐसे में आपको अपने छिपे हुए शत्रुओं से सावधान रहना होगा। आपके साथ कोई दुर्घटना भी घटित हो सकती है। राहु की दृष्टि आपके विदेश भाव पर होगी, ऐसे में आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप आयात निर्यात के काम से जुड़े हैं तो भी राहु का गोचर आपको काफी मदद करने वाला रहने वाला है। आठवीं भविष्यवाणी, भौतिक सुख सुविधा और स्त्री के कारक ग्रह शुक्र 31 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी उच्च अवस्था में 24 अप्रैल तक रहने वाले हैं। ऐसे में राहु और शुक्र की युति आपके अष्टम भाव में होगी। इस समय आप जमकर भोग विलास पर धन खर्च करेंगे।
लेकिन याद रखें, इस भाव से बदनामी का भी विचार किया जाता है। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि किसी स्त्री के कारण आपको समाज में अपमान का भागी बनना पड़े। आपके जीवन में किसी पराई स्त्री का प्रवेश भी हो सकता है। नवी भविष्यवाणी, साल 2024 में केतु का गोचर पूरे वर्ष आपके द्वितीय भाव में रहने वाला है। इस भाव से वाणी, परिवार और संचित धन का विचार किया जाता है। केतु एक रहस्य के कारक ग्रह है। इस भाव में केतु का गोचर आपकी वाणी को कठोर बना सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि केतु मंगल के समान फल देने वाला कहा गया है, ऐसे में छठे भाव पर केतु की दृष्टि आपके शत्रुओं का नाश करने में भी मददगार साबित होगी। दसवीं भविष्यवाणी, अगर प्रेम संबंध के लिहाज से देखा जाए तो साल 2024 आपके लिए मध्यम फल देने वाला है। इस साल आपको अपने प्रेमी से जुड़े मामलों में थोड़ा कम दखल देने की कोशिश करनी चाहिए। आपका प्रेम बहुत जुनूनी है, ऐसे में आपको थोड़े सब्र से काम लेना होगा। आपका प्रेम प्रस्ताव स्वीकार होगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। जो जातक विवाहित है उनके प्रेम और रोमांस में शनि के कारक बाधा दिखाई दे रहे हैं। 30 जून के बाद आप अपने पार्टनर से वाद विवाद ना करें तो ही अच्छा होगा। जय श्री महाकाल, जय माता दी।